मत्ती की इंजील और उसका 27वां बाब जो 66 आयात पर मुश्तमिल है। जब सुबह हुई तो सब सरदार कहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार कहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार कहनों ने रुपये लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है। यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं। उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दहने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शिमाउन नाम एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और उस जगह जो गुलगुत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये
यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ दो डाकू मसलूब हुए, एक दहने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदिस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अपनी तेई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपनी तेई नहीं बचा सकता, ये तो इसराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंच लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी, और याकूब और यूसीस की मां मरियम, और जब्दी के बेटों की मां। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम इरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी, और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़काकर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं, और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की।